Hey guys, welcome back to another video. This video is about how to write a kick-ass proposal so that it increases your chances of getting selected in Google Summer of Code 2023. पहले बात करते हैं दैट यू शुड क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम. मतलब क्लियरली बताओ कि ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एंड नहीं पता तो मेंटर से पूछ सकते हो या तुम जिससे भी टच में हो उससे पूछो, ये प्रोजेक्ट में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्या चीजें हैं, सब आप पूछ के इसको क्लियरली स्टेट करो. एंड दिस शुड कंटेन द व्हाट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द व्हाई ऑफ द प्रोजेक्ट की सॉरी व्हाई ऑफ द प्रॉब्लम की व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सो बिग दैट यू नीड टू कंसिडर टू like spend like 2-3 months or if it's a longer project utna time dene layak problem kyun hai ye. And you should also include ki why did you choose this project over other project. This can kind of also be like ki theek hai tumhare paas jo skill set tha tumhe lagta hai ki is problem ko tum solve kar paoge with the skill sets that you have, but tumhe se acche se likhna padega. So this is the first point. Second point is that you should clearly provide a well defined plan. This should show that you clearly have an idea of how to solve this problem. Matlab even if you let's say don't know the exact steps, मान लो तुम्हें पता है कि मैंने एग्जाम्पल लेता है कि मान लो तुम्हें एक मॉडल बनाना है, तुम्हें पता है ठीक है मॉडल बनाना है, इसमें ये डेटा सेट यूज होगा, ये लाइब्रेरी होगी क्लीनिंग के लिए, ये लाइब्रेरी होगी ट्रेनिंग स्प्लिट करने के लिए, जो भी है तुम्हें पता है कि ऐसे 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 करके हो जाएगा, बट तुम्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे करेंगे. दैट शुड बी द आइडियल सिनेरियो कि तुम्हें पता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम को मोटा मोटा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इतने इतने टाइम में हो जाएगा. सो दैट शुड बी द गोल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रपोजल. जो बीच बीच के छोटी छोटी चीजें होती है कि एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो पता हो ना पता हो जरूरी नहीं है. पता हो तो बेस्ट है यार, पर नहीं पता हो तो उसके लिए तो यार जी सॉक की तुम वो 2.5 महीने बैठ के काम करो और तुम फिगर आउट करो तो धीरे धीरे कैसे करना है ऐसे सॉल्व. तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी ब्रीफली. एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज हेल्प्स कि रादर देन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, आई Just put a picture showing the results of these clustering algorithms कि वो कैसे different होते हैं different types of data. मतलब वरना तुम वो दो पेज की चीज एक इमेज के थ्रू कर सकते. क्या था इमेज भाई नहीं क्या पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 1000 वर्ड. ठीक है जो भी था ऐसा कुछ होता है ना कहना, तो समझ गया ना तुम बात कि पिक्चर्स बहुत अच्छे यूज करो. मेक इट वेरी मतलब डोंट बी लाइक कि ठीक है एकदम सारी जगह पिक्चर दिया, बट जहां तुम्हें लगेगी पिक्चर हेल्प करेगी ऑलवेज पुट अ पिक्चर टू काइंड ऑफ बिकॉज यू नेवर नो लाइक ऑर्ग जो है वो बहुत सारी अगर बड़ी ऑर्ग है तो उसे बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने बैठ के हर एक पढ़े बैठ के, तो इसलिए पिक्चर्स ऑलवेज हेल्प मैन. दिस पार्ट ऑल्सो कैन इंक्लूड द कॉमन क्वेश्चन दैट अ रीडर माइट हैव. लेट्स से देयर आर 20 मैनेजर्स नहीं है 20 मेंटर्स एंड तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी का नीश नहीं है, मतलब उस बंदे को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो तुम ऐसे क्वेश्चन या इस तरीके से लिखो कि एक बिगनर भी समझ सके कि ठीक है तुम्हारा सॉल्यूशन इज वाई इज इट द बेस्ट सॉल्यूशन, वाई इज इट अ फेवरेबल सॉल्यूशन. इट माइट नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन, वो तुम फिगर आउट करोगे ऑन द वे, बट एटलीस्ट तुम्हारा जो आइडिया है दैट इज वर्थ परस्यूइंग कि वो तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें पता है. प्रपोजल इज अ वेरी गुड ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस मेरे हिसाब से. तो यार यू कैन इंक्लूड कॉमन क्वेश्चन लाइक दीज क्वेश्चन आंसरिंग द कॉमन क्वेश्चन टाइप का एक छोटा छोटा कर सकते हो. And also one more thing that all these extra info that you want to put, let's say if you're talking about an algorithm that can possibly optimize this, so instead of doing that just link all these extra information in multiple docs and just put the link there so that the overall space, this is very important, the overall size of the proposal, this was told to me by my mentor, mera initial proposal size tha 22 pages ka, usne mujhe bola bhai itna padhna to bahut mushkil hai. 9 to 10 pages is a very good, is a very good range of pages to be in. तो 9-10 पेज का एक प्रपोजल बनाओ एंड जितना हो सके ना उसमें ये सब लिंक्स ऐड करो ताकि उन्हें पता चले कि तुमने एक्स्ट्रा रिसर्च और एक्स्ट्रा चीजें भी करी हैं. ठीक है सो दिस काइंड ऑफ इज अबाउट हाउ टू मेक अ गुड प्लान, लाइक एक प्लान कैसे करोगे और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है उसमें. थिंग इज दैट यू शुड डिस्कस पोटेंशियल चैलेंजेस ऑल्सो. सो डिस्कस पोटेंशियल चैलेंज मतलब कि वॉट आर द थिंग्स दैट you are not probably sure of right now. It's okay to be like very transparent, but हाँ just don't be like कि ठीक है मतलब मुझे एक major chunk of the project ही नहीं पता है कि इसको कैसे करेंगे मुझे पता ही नहीं है, तो उतना भी true मत हो. And but एक चीज़ की if you feel that ठीक है these problems might occur आगे जाके, you can clearly mention them and you can probably have a discussion about that with the mentor also. He'll also be like oh fuck इस बंदे को like this guy knows his shit. That's what he'll have an idea of. ठीक है. Fourth thing is you should demonstrate your qualifications pretty well. Now in this part, the contributions that you have made
is super important because that is the perfect way of saying कि यार मैं तुम्हारी organization में इतने time से interested हूँ और मैंने तुम्हारी organization पे इतना contribute करके इतना help करा है. So that is probably the best way to show your qualification. The degree that you have done, colleges भी थोड़ा बहुत matter करते हैं, but the main part is the contribution that you have done. That makes you super eligible. This is optional. If you want, you can add a section about why you should choose me, in which you pitch yourself. If you are good in persuasive writing or something, then you can add a section ki mere ko kyun chuno yaar tum log ki tumhare paas maan lo 5 6 applications aayenge to usme se mere ko kyun chuno. So this is a section which even I added. Tum log chat gpt ka use kar sakte ho. Matlab maine nahi kahe तो बेसिकली कैसे भी कर करके यार एक अच्छा सा why choose me लिख दो, because a lot of people might not write that, but if you are writing that, it would create a मतलब अलग से तुम्हें ऐसा दिखाया कि अरे इस बंदे ने इतना सोचा है from an honest perspective, मतलब this is you thinking from their perspective about why they should choose you, so it's good. And last but not the least, you should add anything that shows your keenness. That can be any contribution which is not even related to the project, or the contributions that you have made in other projects, clearly showing that you are interested in open source. So it can be anything which you think will show your keenness in working in GSOC and in that org specifically. For example, मैंने क्या किया था, LinkedIn पे recommendation पे भी लिखा है मेरे mentor ने, अगर आपको देखना है देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था. मैंने जितने भी डेटाबेस में जितने भी मॉडल जितने भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स मुझे पता थे उनके साथ मैंने पूरा टेस्ट कर लिया था और उसको एक अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके एंड हर एक एल्गोरिथम के अंदर थोड़ा थोड़ा लिख लिख के कि ये इस पे करता है ये इस पे करता है हमारे डेटाबेस में ये कर रहा है टाइप्स ऐसे ऐसे करके अराउंड 10-11 एल्गोरिथम से सबके बारे में लिख के उसको लिंक कर दिया डॉक से. तो मेरे मेंटर से जब मैंने बाद में पूछा था कि यार आपने मुझे सेलेक्ट क्यों किया था, तो उसने कहा बताया कि एक और बंदा था मतलब साथ में हमारा एक पर फाइनल इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसके बाद वो इंटरव्यू के बाद इट वॉजेंट लाइक कि मतलब वो बंदा मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था प्रॉब्ली, तो बट मैंने ही एक्स्ट्रा एफर्ट किया था, आई टुक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, तो उससे उसको मतलब बहुत अच्छा लगा एंड ही उसको बहुत अच्छा लगा कि आई टुक दैट एक्स्ट्रा माइल एंड मैंने ऑलरेडी इतना कुछ कर लिया है, तो आई वुड बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, फिर ट्रस्ट बिल्ड हो गया एंड दैट्स व्हाई ही चोज मी. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड प्रॉब्ली ट्राई डूइंग. And hi yaar, thanks for watching. If you like this video, then like this video, subscribe to my channel. Comment section में देखूंगा बहुत अच्छे से, तो आपको जो भी questions हो जिस पे भी आप चाहते हो मैं video बनाऊँ, it can be like anything related to college life, मतलब coding, finance, थोड़ा जो भी आता है, life in general, किसी के बारे में अगर आप चाहो मैं video बनाऊँ, तो यार please mention it in the comments and I'll for sure make a video about it. एक दो videos अभी line में and I hope you guys like this video. See you guys, bye. Thank you.